टेक्नोरोविज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड हमने बोला था कि हम S24 फैन एडिशन पर एक फुल रिव्यू करेंगे अपने स्टाइल में, एकदम जैसे कि करते हैं सारे फोन्स का। तो मैंने इसका वीडियो लेके आया हूँ। इस बात पर लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब बात ये कि ये फोन की प्राइस ज़्यादा है हमें पता है, हमने अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी बता दी। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे ना, जो क्लियर होता है हम क्लियर कर देते हैं, इसीलिए तो आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार दिया है, सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो जो है ना हम क्लियर करते हैं। लेकिन आज रिव्यू करेंगे ना तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेगी जिसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी प्लस की डायनामिक एमोलेड और ये 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब देखिए दोस्तों, इतने दिन से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर स्मूथनेस अच्छी है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वन यूआई को, क्योंकि मैं खुद भी यूज करता हूँ सैमसंग S24 अल्ट्रा। इसमें आपको ज्यादा लैग स्टटर जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अभी जितना भी हमने पिछले दिनों में इस्तेमाल किया, मैं उसके एक्सपीरियंस पर आपको बता रहा हूँ। अब ये फ्लैट डिस्प्ले है, पंचोला आपको छोटा मिलता है, लेकिन चिन यहाँ पर विजिबल है, जो कि जनरली इस प्राइस रेंज पर नहीं होनी चाहिए। हमने इससे बेटर चिन इनफैक्ट 20,000 के रेंज में फोन्स को देखा। हमने कुछ 20,000 वाले 15,000 वाले फोन से भी इसको कंपेयर किया, उनकी चिन मुझे इससे बेटर लगी है। जहाँ पर इनफैक्ट S24 इसका ही भाई जो इस प्राइस रेंज पर अवेलेबल है, अगर आप इसकी चिन देखते बेटर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बेजल्स है S24 फैन एडिशन के, वो इतने बेटर नहीं है, उसको और बेटर किया जा सकता था। बाकी आपको उसमें 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस अगर आप जनरली किसी से कंपेयर नहीं करते तो अच्छा है, इंडोर के साथ आउटडोर विजिबिलिटी, व्यू एंगल्स सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमने जब S24 से कंपेयर किया, उसमें 2600 निट्स की है और उसमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन करते ही वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है इसके मुकाबले। अब S24 हमें पता है वो एक अलग ही टाइप का कैटेगरी का फोन है, इससे कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ और वो भी सैमसंग का ही फोन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूसरे फोन से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस उस मामले में थोड़ी सी कम लगती है। बाकी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन दी गई है, यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट मिलता है, प्राइम वीडियो पे फुल HD और नेटफ्लिक्स पर भी सरप्राइजिंगली आपको HDR और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम बेजल्स, जनरली मैं कहूँ डिस्प्ले एक्सपीरियंस हमने जितना भी किया है वो अच्छा था। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वन UI 6.1 आपको मिलेगा एंड्रॉइड 14 और साथ ही साथ आपको 7 साल के अपडेट्स, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस, चलो ये तो ठीक है। और जनरली दोस्तों मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, एज अ सैमसंग यूजर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स, मिड रेंज फोन्स, इनमें अपडेट्स टाइमली आ जाते, तो उस मामले में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो उसमें हमने कुछ ब्लोटवेयर्स देखा है, फेसबुक, लिंक्डइन और स्पॉटिफाई वगैरह, जो कि नहीं होना चाहिए, बट सैमसंग भी कभी कभी देता है और सैमसंग के तो बजट में तो ज्यादा ही रहते हैं, तो वो सब इधर भी है लेकिन आप उनको निकाल सकते हैं। बड़ा अननेसेसरी एड्स और ये फालतू की इधर उधर की चीजें जो है ना, वो आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हमने जब चेक किया था तो एक अपडेट भी आया था 275 MB का, कुछ सिक्योरिटी पैच था, बेसिकली उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट की गई थी, कुछ खास अपडेट नहीं था। और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो वो आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सैमसंग का आपको स्टॉक मिलता है और गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है वो कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर वॉलेट यूज करना है और सैमसंग के नॉक सिक्योरिटी और सिक्योर फोल्डर, वो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर वन UI के हिसाब से बोलूँ तो सही रहेगा। बैटरी की बात करेंगे, 4700 mAh की आपको बैटरी है। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, मैक्स 25W सपोर्ट है। मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी बोला था कि चार्जिंग के मामले में सैमसंग हमेशा पीछे ही रहता है, थोड़ा फास्ट चार्जिंग यहाँ पर देना चाहिए। वाई टू बिकम एप्पल है ना, सैमसंग एंड्रॉइड का फोन्स लॉन्च करती है तो उनको हाइयर चार्जिंग देना चाहिए। एनीवेज, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई चार्जर है तो ठीक है, वरना आपको अलग से खर्चे करने पड़ेंगे। और अगर 0 to 100% फुल चार्ज की बात करें, हमने अलग चार्जर इस्तेमाल किया, 25W वाला यूज़ नहीं किया, हमने एक नॉर्मल 65W वाला अडेप्टर इस्तेमाल किया, तो उससे अराउंड 45 से 46 मिनट में ये फुल चार्ज हो गया था। लेकिन अगर आप नॉर्मल चार्जर यूज़ करते हैं, ओरिजिनल चार्जर यूज़ करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। बैटरी ड्रेन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग में आपको नहीं बताया था, हमने इतना टेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 11:30 बजे रात के 100% चार्ज करके इसको छोड़ा और 4K वीडियो प्लेबैक किया फुल ब्राइटनेस पर 120 Hz पर, 10 घंटे कंटिन्यूसली प्लेबैक किया और ये 47% ड्रॉप हुआ। मुझे अच्छा लगा, क्यों, मैंने बहुत सारे फोन्स के रिव्यूज किया और जिन पर भी मैंने 10 घंटे तक अगर कंटिन्यूस प्लेबैक किया है वो 50 के ऊपर ही ड्रॉप होते, बहुत कम ऐसे फोन्स हैं जो मैंने 50 के नीचे देखा, ये उनमें से एक है। सरप्राइजिंग Exynos है ना, उसके बाद भी मुझे सरप्राइजिंग लगा कि भाई ये अच्छा लगा मुझे। बताओ, ऑन एवरेज एक दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर आप इस पर स्ट्रेस डालेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो सकती है, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसका जो स्टैंड बाय है वो इतना खास नहीं था, मतलब हमने
दोपहर में 8 बजे के बाद से फिर दोपहर के 1:30 बजे तक अगर हमने जब देखेंगे कुछ समय के अंदर, लगभग जो है वो 14% खाली स्टैंड बाय में ड्रेन हुआ, बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्टैंड बाय में छोड़ देते तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ड्रेन होता और ये कहीं ना कहीं सैमसंग को उस मामले में फिक्सेस करने चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करते ही, इसमें है एक्सिनोस 2400E 4nm वाली चिपसेट, जो E है बेसिकली, ये थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड है अगर आप उसको नॉर्मल एक्सिनोस 2400 से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। एंड्रॉइड स्कोर्स अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास, इतना एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन जो थर्मल्स थे इट वॉज नॉट गुड, अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस सिर्फ एंटीटू में ही हीट हो गया। हमने CPU थ्रॉटल किया, वो अराउंड कुछ 60% समथिंग था, विच वॉज ऑल्सो नॉट गुड, बेटर हो सकता है ये, और 70-80 तक जाए तो मैं इसको बेटर बोलता हूँ, 70 के नीचे मैं बोलता हूँ डिसेंट है। इसमें भी अराउंड 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, ये एक कंसर्न है जो कि अक्सर एक्सिनोस की चिपसेट्स में रहता है, कुछ नया नहीं है। हमने सोचा थोड़ा सा और स्ट्रेस डालते, हमने पहले थोड़ा सा रेंडर करके देखा, तो रेंडर में कोई इशू नहीं था, रेंडर ज़्यादा रिसोर्स नहीं लेता है, तो वो जल्दी से रेंडर भी कर दिया, ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने 3D Mark का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट जब किया ना, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम ये 46 डिग्री गया था। अब आप मेरा वीवो का T3 अल्ट्रा वाला वीडियो देखते ना, रिव्यू किया था, उसमें डायमेंसिटी 9200 प्लस था, वो भी उतना ही गया था, 46-47। मैं वैसे, मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जब मैं वाइल्ड लाइफ टेस्ट करूंगा ना, तो ये 48-50 तक चला जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इतना पता चल रहा हमें कि ये चिपसेट गर्म तो होती है, अगर आप स्ट्रेस डालते हो ये मैक्स 46 और 47 तक खींच लेती है, 50 तक नहीं जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये हमने बहुत कोशिश किया तो हमें मैक्स इतना पता चला कि ये इतना हीट होता है, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो कंसर्न कि इतना गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, और जो स्टेबिलिटी स्कोर था वो अराउंड 58.4, ये डिसेंट है क्योंकि मैंने इससे बेटर स्कोर्स देखे हैं अगर मैं इस प्राइस रेंज के चिपसेट्स की यहाँ पर बात करता हूँ। बाकी आपको LPDDR5X UFS4 यहाँ पर मिलता है, और साथ ही साथ इसमें UFS के स्कोर्स बहुत अच्छे थे, 1.5 लाख के आसपास, और रीड राइट की स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। ऐप ओपन क्लोज की बात करें, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो अच्छा चलता है, और हमने फिर 10 मिनट बाद भी आके चेक किया तो मेजॉरिटी ऑफ द ऐप्स जो थे वो मेमोरी में थे। कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इसका जो रैम मैनेजमेंट है यहाँ पर अच्छा है, उस मामले में मैं क्रेडिट दूंगा One UI को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम अच्छा करता है। बाकी BGM हमने इसमें खेला है तो 90 FPS का हमें सपोर्ट दिखाई दिया, और कॉल ऑफ ड्यूटी अराउंड 120 FPS, तो जेंशन इंपैक्ट भी हमने लॉन्ग टर्म तक खेला, फोन गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें भी ऑन एवरेज 55-60 FPS के बीच में आपको सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल चिपसेट गर्म होती है जैसे कि हमें पता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पर उतनी अच्छी मिलती है। कैमरे की बात करते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 MP प्राइमरी सेंसर सैमसंग ISOCELL, और ये OIS के साथ आता है। आपको 8 MP का टेलीफोटो सेंसर है, ये ओमनीविजन सेंसर है, 3 times आपको ऑप्टिकल और 30 times आपको डिजिटल। मैं पहले टेलीफोटो सेंसर की बात करूँ तो फोटोज अच्छे हैं, नॉट बैड, मतलब नॉर्मल फोटोज, और अगर 3x और अगर आप 30x देखते हैं तो आपको एक मौका दिया गया है, अगर आपको जूम फोटोज लेना है तो आप वो ले सकते हैं जनरली। और 12 MP का आपको अल्ट्रावाइट, अल्ट्रावाइट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा है, नॉर्मल फोटोज और अल्ट्रावाइट में मैंने ज्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं देखा, तो उसमें भी ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थे। वैसे इसमें मैक्स 8 की वीडियो आप शूट कर सकते हैं रियर कैमरे से, जो कि आज के जमाने में कोई लेता नहीं है। 4K 60 FPS आप जनरली ले सकते हैं ऑन एवरेज में बता रहा हूँ। और आपको सेल्फी जो है 10 MP की, ये भी सैमसंग सेंसर है, और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा, स्लो मोशन की बात करें तो मैक्सिमम हमने चेक किया तो सिर्फ 240 FPS था, और क्वालिटी यहाँ पर अच्छी थी, वहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी। जनरली डे के फोटोज देखेंगे ना तो अच्छे, और वैसे भी मैंने अनबॉक्सिंग में भी कोई कंप्लेंट नहीं किया था क्योंकि फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं, फैन एडिशन अच्छे फोटोज लेता है, डायनामिक रेंज हो, बुके शॉट्स हो, सब कुछ बढ़िया है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डे के वीडियो भी देखते तो वो भी बहुत अच्छा है, रियर हो या सेल्फी हो, स्टेबलाइजेशन क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट ऑटो फोकसिंग भी हमने चेक किया, ऑटो फोकसिंग भी बहुत है, फास्ट है, नॉर्मल आप वीडियो निकाल के अचानक से कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, हाथ आ जाता है, बढ़िया फोकस करता है। और पोर्ट्रेट वीडियो भी है, अगर आपको अच्छे सिनेमैटिक टाइप वीडियोस निकालना है आप वो भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट नाइट के फोटोज भी काफ़ी इंप्रेसिव थे, ज़्यादा कोई मैं कमियाँ निकालने की कोशिश कर रहा था, रिव्यू का पर्पज़ यही होता है कि डिटेल में टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वैसे मुझे कोई कमी नहीं दिखी। इनफैक्ट फ्लैर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत इधर उधर दिखेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड है, और सेल्फी भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी, यहाँ पर भी मेजर कोई कंप्लेंट्स हमने नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट नाइट वीडियोस भी अच्छे, अगर आप देखेंगे रियर वीडियो थोड़ा सा फ्लिकरिंग है, और सेल्फी वीडियो इसमें भी थोड़ा फ्लिकरिंग है, लेकिन मेरा मानना यह कि अगर आप नाइट में अगर और अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आपको और भी बेटर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर मिल सकती है। तो हाँ, कैमरा डेफिनेटली इस फोन में आपको उस मामले में ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेगी।
डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 8 mm की थिकनेस, या इसकी थिकनेस अच्छी है, नॉट बैड, और आपको 213 grams का मिलता है, तो काफी हैवियर साइड पर है। जी हाँ, जनरली सैमसंग के फोन्स जो है वो अल्ट्रा वल्ट्रा वो उतने चले जाते हैं, सरप्राइजिंगली ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और पीछे आपको ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, मेटल फ्रेम एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आपको मिलता है, डुअल स्पीकर है, क्वालिटी अच्छी है, लाउड है, बेस अच्छा है, डुअल माइक है, डुअल नैनो सिम, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP68। ये सब कुछ कोने कोने में हर चीज़ आपको प्रीमियम देखने को मिलेगी, और आपको कलर्स भी यहाँ पर अच्छे मिलते हैं, आई थिंक मिंट है, ग्रेफाइट है, ऐसे 2-3 कलर्स है, ब्लू है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन को लेकर हाँ, बस फ्लैगशिप एस सीरीज जैसा कुछ कॉपी हुआ है, बाकी तो ओवरऑल सब कुछ सही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 17 5G बैंड्स दिए गए, मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स कवर्ड है इसमें। हमने डाउनलोड करके देखा, हमने कॉल क्वालिटी चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। इनफैक्ट वाईफाई की रेंज भी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर रेंज आती है। स्टिल प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये थोड़ा और बेटर हो सकता है, जैसे कि वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.3 है, तो ये चिपसेट के हिसाब से कमी है, लेकिन वर्जन और थोड़ा और अच्छा देना चाहिए था। साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ से भी अगर हमने जब कनेक्ट किया तो लेटेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे कनेक्टिविटी इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें भी ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थे। और आपको NFC मिलता है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी कैमरा 2 API, आपको सारे जो सेंसर है सबका सपोर्ट दिया गया है, वाइडमैन L1 है, उस मामले में कोई भी कमी नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस की, जो अच्छा बुरा था सब कुछ मैंने एकदम क्लियर कर दिया डिटेल के अंदर, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें आपको वैसे दो वेरिएंट्स है, 8128 और 8256। 8128 अराउंड 60,000 का है, 8256 अराउंड 65,999 का है। सिर्फ 128 GB के लिए आपने 6,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ये ज़्यादा हो गया। और साथ ही साथ इन पे कुछ ऑफर्स लगाकर इनकी नेट इफेक्टिव प्राइस थोड़ी और कम हो जाती है। जब भी मैं रिव्यू करता हूँ मैं ऑफर की बात नहीं करता हूँ, मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखोगे तो आपको सैमसंग S24 ही जनरली उस प्राइस रेंज पर अभी आजकल मिल ही रहा, मानते हैं कि फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम है और ये थोड़ा और कॉम्पैक्ट साइज का, बट स्टिल सैमसंग ने अपने जो फैन एडिशन है ना उसको मिड रेंज कैटेगरी में रखना चाहिए, 40-50 ऐसे इसके नीचे रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम्पीट कर सकता है दूसरे ब्रांड से और एक अलग नाम बना सकता है अपना, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप इतना ऊपर जाएंगे तो फिर आगे चल के क्या होगा, 65, 70, 80, तो फिर आप अपने ही फ़ोन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे जो S24 सीरीज है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा मानना ये है कि एक स्मार्ट मूव आपको बताता हूँ, आप जब सेल होता है ना फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, जो अगले साल होगा बिग बिलियन डेज, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, उस पर अगर आप इसको परचेस करेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि S23 फैन एडिशन अगर आप देखोगे तो सेल पर एज लो एज हमने जब वीडियो बनाया था वो 27,000-28,000 तक मिल रहा था, ये भी आपको अंडर 40 तक तो मुझे लगता आ ही जाएगा अगर जब सेल आएगी तो ये एक मेरे हिसाब से वो एक राइट टाइम होगा इस फ़ोन को परचेज करने का। तो हमारी जो भी फेयर ओपिनियन थी, जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन, जो हमारी टेस्टिंग थी, वो सब कुछ आपके सामने रख दिया। ऐसे रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसा प्यार और सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।